हेलो दोस्तों, कल दिल्ली की रेस है 3 मई 2023 और पिछला उटी कार्ड बहुत ही अच्छा गया था। मैक्सिमम रेस में घोड़े जीते थे, तो थोड़ा बहुत ऐसे ही रेस था। तो कल दिल्ली है, परसों दिल्ली है और उसके बाद 5 तारीख छुट्टी है और 2 दिन फिर उटी है। तो दिल्ली का दोनों दिन का कार्ड बहुत अच्छा लग रहा है, कार्ड देखा है मैंने। और कल तो मतलब यार हैंडीकेपिंग रेस हो जाए तो माइंड ब्लोइंग है, बाकी चोरी होने को आए तो दिल्ली दिल्ली है, तो दिल्ली को थोड़ा सा देख कर खेलना। तो चलिए बात करते हैं कल के दिल्ली की रेस की। फर्स्ट रेस द ट्रिप टू द मून प्ले डिवीजन 1, 1100 मीटर की रेस है। द हैंडीकेपर इंडियन हो रेसेस रेटेड 4 to 30, क्लास 5 की रेस है। 3 बजे है, यहाँ पर 11 हॉर्सेस हैं और 2 घोड़ों में फाइट है, देख लेना आप लोग। थोड़ा हैंडीकेपिंग भी दिखा रहा हूँ। 1 नंबर आउट है, 394 किलो का लास्ट का रन था, बहुत ही लाइट वेट है तो ये नहीं बनता। 2 नंबर थोड़ा सा है, 3 नंबर बिल्कुल आउट है, 350 किलो का घोड़ा। 4 नंबर भी आउट, 5 नंबर है, 5 नंबर यार मुंबई से आया है घोड़ा और ट्रैक अच्छा जा रहा है, SG प्रसाद ट्रैक दे के दिखा रहा है। बस स्टील में है सूझ और दिल्ली में जीत भी जाते हैं यार, ऐसा नहीं कि दिल्ली में नहीं जीतते, दिल्ली स्टील सूझ में घोड़े जीत जाते हैं। जॉकी का थोड़ा ऐसा इशू लग रहा है, जॉकी को मैंने दो तीन बार देखा यार, अच्छा राइडिंग नहीं करता तो इसी के लिए इसको प्रॉब्लम है, लेकिन देख लेना यार, फेवरेट माल लगता है तो यहाँ पर दिल्ली में जीत जाते हैं। 5 और 6 के बीच में रेस होनी चाहिए। 6 नंबर फेडरिको पी किरण रहा है, सूज चेंज कर रहे हैं, स्टील से एल्यूमिनियम हो रहा है तो घोड़ा बिल्कुल बनता है। लास्ट टाइम ऑलमोस्ट हेड की बीडिंग थी तो कल घोड़ा जीतना चाहिए मेरे हिसाब से। इन्हीं दोनों के बीच में रेस है तो आप लोग देख लेना क्या भाव खुलता है, क्या माल लगता है। यहाँ पर बेटिंग का स्ट्रेटेजी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बेटिंग होती है तभी घोड़े जीतते हैं और नहीं तो आउट। भाव अगर नेगेटिव हो गए यहाँ पर तो घोड़ा नहीं आते इधर। यहाँ पर देखने की चीज़ है कि बेटिंग कहाँ पर होती है। तो मेरी फर्स्ट चॉइस है हॉर्स नंबर 6 फेडरिको, जॉकी पी किरण रॉय फॉर विन प्लेस। और दूसरा घोड़ा हॉर्स नंबर 5 काउंट द विंस, जॉकी फैजान खान फॉर प्लेस। बाकी कोई घोड़ा नहीं यार, सब आउट है, एक भी घोड़ा ऐसा नहीं लग रहा है कि जीतने वाला दूसरा घोड़ा कोई है। इन्हीं दोनों के बीच में रेस होनी चाहिए, 5 और 6 के बीच। बाकी सारे लाइट वेट हैं, कोई फॉर्म में नहीं है। 10 नंबर 11 नंबर सब बेकार घोड़े हैं, 9 नंबर किसी को खेलने की ज़रूरत भी नहीं है। 5 और 6 के बीच में रेस होनी चाहिए, आज चोरी हो गई तो कोई दूसरा निकालेंगे तो भाई आउट हो सकता है। तो 5 और 6, 6 नंबर मेरे हिसाब से गुड प्लेस मे बी विन है, तो इसी को नज़र रखो, इसी को खेलो ईच वे। अगर माल लगता है तो डायरेक्ट विन मार दो। 5 और 6 के बीच में रेस होनी चाहिए तो देख लेना आप लोग। अब बात करते हैं सेकेंड रेस, द ट्रिप टू द मून प्ले डिवीजन 2, 1100 मीटर की रेस है। ए हैंडीकैप और हॉर्स रेटेड 4 to 30, क्लास 5 की रेस है। 330 को यहाँ पर 10 घोड़े हैं। यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 4 लिटिल मोर, जॉकी जेची नॉय फॉर इन प्लेस। यार घोड़ा अच्छा है, लास्ट टाइम मैंने इसको खेला था, सुपर स्पीड के पीछे सेकंड लगा था, अफजल खान चला था, अभी जेची नॉय डायरेक्ट अच्छा जॉकी बैठा है, तो घोड़ा कल जीतना चाहिए। प्लेस मिले तो प्लेस के लिए गुड, और नहीं तो देखिए माल लगता है तो यार विन के लिए घोड़ा मेरे हिसाब से जीतना चाहिए। दूसरा घोड़ा समझ में नहीं आ रहा कोई, 3 नंबर 2 नंबर सब, 2 नंबर थोड़ा सा है, लास्ट रन बेकार था, वांडरिंग एंजल, तो इस पर थोड़ा सा नज़र रखना है। यार जॉकी का मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, फैजन खान, नहीं तो देखते हैं इसको। तो सिंगल है हॉर्स नंबर 4 लिटिल मोर, जॉकी जेचिन है फॉर विन प्लेस। अब बात करते हैं थर्ड रेस, 1600 मीटर की रेस है। द एटमोसफियर प्लेट ए हैंडीकेपर हॉर्स रेटेड 20 to 46, क्लास 4 की रेस है, लोअर क्लास एलिजिबल। 4 बजे यहाँ पर 7 घोड़े हैं। यार ये रेस ना डे बेस्ट है, सिंगल घोड़ा है, मतलब यार कल नहीं जीता ना तो डिसअपॉइंटेड है कि क्यों नहीं जीता। हॉर्स नंबर 2 उस्ताद जी, यार मेरे को थोड़ा सा ना डाउट है, ये घोड़ा 1600 मीटर कभी जीता नहीं है, जा रहा है लास्ट। अगर आप देखेंगे 2:14:01 रेस में थर्ड लगा था अमजद खान, लास्ट टाइम जो 1400 मीटर जा रहा था
वहाँ पर बहुत बेटिंग हुई थी। घोड़ा ऑलमोस्ट, अगर जॉकी ऐसा घटिया चलाया था कि घोड़ा चौथा हुआ था, लेकिन मैंने इसको इचवे खेला था और घोड़ा आउट किया था। बहुत ही बेकार राइडिंग थी, जॉकी बहुत ही बेकार था। अभी अर्जुन को बिठाया यार 3.5 किलो का अलाउंस है, घोड़ा इजीली जीतना चाहिए अगर चोरी ना हो। दूसरा घोड़ा मुझे को समझ भी नहीं आ रहा है कोई भी, और कोई दिख भी नहीं रहा है कि यार कोई बीट कर दे। सिंगल ही घोड़ा, लास्ट टाइम बहुत बेटिंग हुई थी, कल ट्राई करेंगे मे बी। घोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा डाउट है कि यार 1600 मीटर गया नहीं कभी, तो क्या होता है देखते हैं। सिंगल ही हॉर्स है, और रेस नंबर 3 हॉर्स नंबर 2 उस्ताद जी, जो कि अर्जुन और इन प्लेस। ये घोड़ा डे बेस्ट है, जीतना चाहिए, चोरी हो जाए तो अलग बात। अब बात करते हैं फोर्थ रेस 1200 मीटर की, द नेचुरल 9 प्लेट, ए हैंडीकेपर हॉर्स एट 20-46, क्लासपुर की रेस है 4:30 को। यहाँ पर 10 घोड़े हैं, यहाँ पर भी मुझे 2 घोड़े पसंद हैं। एक है हॉर्स नंबर 2 शेरा, जो कि मुजम्मिल हाशमी, ड्रॉ का थोड़ा सा इशू लग रहा है। 10 नंबर ड्रॉ, लास्ट टाइम बहुत बेटिंग हुई थी, कुछ इंसिडेंट हुआ था। उसका पिछला रन ना बहुत इंप्रेसिव था, घोड़ा फैजन खान ने ही चलाया था, लेकिन लास्ट रन बहुत बेकार था। तो कल ये घोड़ा जीतना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेस होना चाहिए धतूरा, हॉर्स नंबर 3 धतूरा, जॉकी अर्जुन। यार जॉकी मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा, जब भी इसको खेलता हूँ प्रॉफिट करके देता है। तो भाई बहुत ही अच्छा जॉकी है दिल्ली में अभी का, तो मुझे बहुत ही पसंद है। अलाउंस का बेनिफिट बिल्कुल उठाता है जॉकी, तो ये घोड़ा पसंद है मुझे। 2 नंबर से बेटर 3 नंबर लग रहा है कि बेस्ट प्लेस होना चाहिए 2 नंबर के, वो देखना अगर बैटिंग होती है तो जीतना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन मेरा जो पसंद है वो हॉर्स नंबर 3 धतूरा है। तो फोर्थ रेस फर्स्ट चॉइस हॉर्स नंबर 2 शेरा, जो कि मुजम्मिल हाशमी फॉर इन प्लेस, और हॉर्स नंबर 3 धतूरा, जो कि अर्जुन फॉर प्लेस। 2 नंबर से 3 नंबर मुझे बेटर पसंद है। अब बात करते हैं फिफ्थ रेस, द DRC मैनेजिंग कमिटी जुवेनाइल स्प्रिंटर्स कप, 1200 मीटर की रेस है, टर्म रेसेस है, 3 ईयर्स ओल्ड ओनली, 5 बजे, 9 घोड़े हैं। 1 नंबर यार अच्छा घोड़ा है, लेकिन 400 किलो का नीचे का घोड़ा है, जीत रहा है, लेकिन यार कभी कभी ना ऐसा घोड़े पकड़ में आ जाते हैं, तो देख लेना। 2 नंबर भी सेम है, 9 नंबर भी लाइट वेट है, 376 किलो, तो थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, लेकिन घोड़े अच्छे हैं यार। लेकिन मुझे जो पसंद है हॉर्स नंबर 4 पार्टी ड्रीम्स, जो कि SG प्रसाद फॉर प्लेस। इसको प्लेस खेलना बेटर है, मतलब वेट के हिसाब से घोड़ा अच्छा है, लास्ट टाइम शिवम ने चलाया था, अच्छा रन किया था, तो ये प्लेस मुझे बेटर लग रही है, तो इसी को प्लेस खेलना बेटर। फिफ्थ रेस हॉर्स नंबर 4 पार्टी ड्रीम्स, जो कि SG प्रसाद फॉर प्लेस। अब बात करते हैं सिक्स रेस, द न्यू मून प्लेट Division 1, 1100 मीटर की रेस है, ए हैंडीकेपर हॉर्स रेटेड 40-66, Class 3, 5:30 को है। यहाँ पर 11 घोड़े हैं, यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 5 कार्लोस, जो कि के सनी कुमार फॉर इन प्लेस। 2 घोड़े पसंद है, एक है हॉर्स नंबर 6 भोपाल, 400 भोपाल, जो कि MB क्रोशी, लास्ट टाइम 3 टाइम जीत चुका है, अभी पेनल्टी है, लेकिन घोड़े का टाइमिंग बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा डाउट लगता है। लेकिन आपको बेटर होना का कि यार 5 नंबर को इचुए खेलो, क्योंकि ये घोड़ा ना फ्लावर पावर को बीट कर चुका है Class 4 में, और फ्लावर पावर Class 3 जीत चुका है, तो उसी के हिसाब से और हैंडीकेपिंग के हिसाब से घोड़ा बिल्कुल मतलब डे बेस्ट प्लेस है। थर्ड में 2 नंबर जीतना चाहिए, और ये सिक्स रेस में 5 नंबर, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर जॉकी अच्छा नहीं चलाता तो आउट करेगा, क्योंकि जॉकी का मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा है, लेकिन ये घोड़ा पूरे दिन का बेस्ट प्लेस होना चाहिए अगर फेवरेट नहीं खुलता है तो। एक ही घोड़ा है, मुझे एक ही घोड़ा समझ में आ रहा है। सिक्स रेस हॉर्स नंबर 5 कार्लोस, जो कि के सैनी कुमार फॉर इन प्लेस। दूसरा घोड़े को नज़र भी मत नहीं डालता, क्योंकि बाकी सब बेकार है।
हैंडीकैप में समझ नहीं आ रहे। अब बात करते हैं सेवेंथ रेस लास्ट रेस द न्यू मून प्लेट डिवीजन टू 1100 मीटर की रेस है। ए हैंडीकैप और हॉर्स रेटेड 40-66 क्लास थ्री की रेस है। 6 बजे यहाँ पर 10 घोड़े हैं। यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 2 यूफोरिया जो कि कुंदन पासवान फॉर इन प्ले। लास्ट टर्न इग्नोर कीजिए क्योंकि लास्ट टर्न ये घोड़े का डिस्टेंस ही नहीं था, जबरदस्ती का 1600 मीटर भगाया था, तो अभी परफेक्ट डिस्टेंस में जा रहा है। फ्रंट मतलब सेकंड थर्ड पोजीशन में बिठाया देगा तो घोड़ा जीत जाएगा आराम से। प्लेस गुड है तो यार कार्ड बहुत ही अच्छा लग रहा है। हैंडीकैपिंग रेस हुई तो सारे के सारे घोड़े आ जाएंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। डेली है तो डेली है, लेकिन कार्ड अच्छा है तो आई होप कल का दिन अच्छा जाए। थोड़ा सा ध्यान रखना 2 नंबर जो यूफोरिया वो घोड़ा 390 किलो का घोड़ा है, लेकिन घोड़ा अच्छा है क्योंकि दूसरा घोड़ा समझ में नहीं आया क्रेशिडा, इस पर पेनल्टी है तो थोड़ा सा आउट है। बाकी तो यही घोड़ा है। 5 नंबर फार्गो इस पर नज़र रखना। इतना दूर आने की ज़रूरत ना पड़ेगी यार, मतलब 6 रेस तक आपका काम हो जाना चाहिए। कार्ड बहुत ही सुपर है, मतलब हैंडीकेपिंग रेस में समझ में आ रही है, कार्ड बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई होप कल का दिन अच्छा जाए आपका, आप प्रॉफिट में रहें। परसों फिर दिल्ली है, परसों भी दिल्ली का कार्ड अच्छा लग रहा है, तो आई होप कल दिन अच्छा जाए। तो सारे रेस खेलने की ज़रूरत नहीं, 1-2 रेस में आपका काम हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, तो चलिए फिर मिलते हैं परसों दिल्ली की रेस में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपको वीडियो कैसे लगे रिकमेंड बताएं। फिर मिलते हैं दिल्ली की रेस में, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, गुड बाय।